नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन एंड वैक्यूबुलरी के ऊपर जो है ये टॉपिक है। खासकर दोस्तों प्रीफिक्स के बारे में इसमें बताया गया है, तो थोड़ा सा विषय परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाषा का विकास निरंतर होता रहता है और उसमें नए शब्द जन्म लेते रहते हैं, ये आपको ही मानना होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है कुछ नए नए जो है टर्म के जो वर्ड या और नए नए शब्द हिंदी में, अंग्रेजी दोनों में या सभी भाषाओं में जन्मते हैं। और देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए ये सारे जो है वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी में शब्द निर्माण यानी वर्ड फॉर्मेशन जो है तीन प्रकार से होते हैं। पहला दोस्तों कि मूल शब्द के आगे या पीछे जुड़कर कुछ नए शब्द बनते हैं, जिसे एक तो प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स का हिंदी होता है उपसर्ग और प्रीफिक्स सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय, यानी पीछे से जो लगता है वो जो होगा वो सफिक्स होगा और आगे से जो आगे शब्द के आगे जुड़ जाता है वो प्रीफिक्स होगा यानी उपसर्ग। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ऐसे शब्द देखेंगे जिनको पढ़ने नहीं आता, उनके लिए वीडियो सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे वर्ड अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको पता चला है किस तरह का जो है इंग्लिश को पढ़ना है, पढ़ने में जो जिनको दिक्कत होता है, और वर्ड पावर भी लिखने में भी बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चों को जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, उनको दिखाइएगा ताकि वे अधिक से अधिक सीख पाएँ, जो कि स्कूल में है या जिनको लिखने में दिक्कत होती है और या जिनका प्रोनाउंसिएशन भी दिक्कत है जो होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो कैसे पढ़ना है ये भी आप देख लेंगे। देखिए, अगर पिछले वीडियो पे जाना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे, टोटल वीडियो की जानकारी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टोटल वीडियो का सारा लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब तक 106 वीडियो अपलोड हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में ही, और कहीं कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। सब कुछ दोस्तों, अगर आप शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं तो आप बस इस चैनल के इस वीडियो के साथ, इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए, और बोलने के लिए भी बस थोड़ा सा और मेहनत करने पे बोलने लगेगा। सब कुछ दोस्तों इजी स्टेप में, कोई भारी भरकम आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब जो है आपके तरफ से मैं पढ़कर जो सिर्फ आपके काम का है बस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं वर्ड। देखिए, वर्ड्स विद द प्रीफिक्स, अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों नन के बारे में बात करेंगे। नन देखिए एक ऐसा प्रीफिक्स के बारे में मैंने बताया कि यह जो है शब्द के आगे लगता है, कोई भी वर्ड है उसके पहले लग जाता है। तो वर्ड फॉर्मेशन में एक तो मैंने बताया कि सफिक्स होता है और प्रीफिक्स, और दूसरा सफिक्स। दूसरा है दोस्तों कि दूसरा जो वर्ड फॉर्मेशन है, दूसरा प्रकार है, इसके अंतर्गत दो मूल शब्दों को परस्पर जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे टी, अगर आप चाय देखते हैं टी पोट, तो टी प्लस पोट यानी दो दो शब्दों का, ब्रेकफास्ट ब्रेक प्लस फास्ट, लिपस्टिक, तो ये सारे शब्द जो है दो 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 शब्द है जिसको जोड़कर एक शब्द बनाया गया। अब इसे जो है दो शब्द को जोड़ने को जो है कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं। तीसरा तरह जो है मूल शब्द यानी कि बेस वर्ड में बिना किसी परिवर्तन के उसे प्रयोग अर्थ या कभी कभी उच्चारण के स्तर पर भी बदला जा सकता है, जिसे कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि वॉक एक शब्द है और इसका संज्ञा या क्रिया दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डोंट वॉक फास्ट, एक वर्ब के रूप में यहाँ पर वॉक का इस्तेमाल हुआ, जबकि इट्स 10 मिनट वॉक यहाँ एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। तो खैर दोनों है। आप सबसे बड़ी बात दोस्तों प्रीफिक्स के बारे में, या प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अध्ययन या अगर सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग को जो है नौ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 9 यानी 9 रूपों में बांट सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है, हिंदी में थोड़ा समझ लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे नकारात्मक प्रीफिक्स वर्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाला। उसके बाद देखिए विपरार्थक यानी अपोजिट वाले प्रीफिक्स होते हैं। फिर है अपकर्षक उपसर्ग होते हैं। उसके बाद देखिए अवस्था आकार सूचक उपसर्ग होते हैं, व्यवहार सूचक उपसर्ग होते हैं, यानी सब प्रीफिक्स है। स्थान के बारे में जो बताता वह वैसे प्रीफिक्स होते हैं, समय के बारे में जो बताता वैसे प्रीफिक्स होते हैं, संख्या के बारे में बताने वाला प्रीफिक्स होता है, और अन्य भी होता है। तो अवस्था
व्यवहार, ये सारे जो है प्रीफिक्स अलग अलग हैं और एक कैटेगरी है, इसको मैंने कैटेगराइज किया है और मैं वैसे बताऊंगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव उपसर्ग जो प्रीफिक्स है और विपरार्थक यानी कि अपोजिट प्रीफिक्स के बारे में जो कैटेगरी है उनसे जो जुड़े हुए वर्ड हैं उनको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है नन। नन क्या है? नन एक नन का हिंदी भी नहीं होता है यहाँ, इस भी 6-7 जो है आपको नहीं से जुड़ा हुआ यानी नकारात्मक क्या है नहीं आता है, जिसे पता चलता है कि वो नकारात्मक है, ठीक है। और इसमें ये उपसर्ग जो है यानी प्रीफिक्स प्रायः संज्ञा यानी नाउन और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव शब्दों के साथ लगते हैं, कभी कभी क्रिया विशेषण शब्दों के साथ भी लगते हैं। ये नकारात्मक उपसर्ग यानी कि जो नेगेटिव जो है प्रीफिक्स है। अब देखिए वर्ड अब देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ने नहीं आता वो पढ़ सकते हैं। और वैसे वर्ड जो कि नकारात्मक उपसर्ग वाले ये वर्ड है, नन से जुड़ा हुआ। देखिए नन यहाँ पर मैंने एक डैश लगा दिया ताकि पता चल सके, पढ़ने में आसानी हो। देखिए नन ऐसे आप जानते हो एसेंशियल, ठीक है, इसे पढ़ते एसेंशियल, लेकिन नन एसेंशियल, ठीक है, नन एसेंशियल, नन फैट, नन एग्जिस्टेंट, फिर है नन एंटिटी, नन स्मोकर, नन कॉलेजिएट, ठीक है, आप समझ सकते हैं, नन इफेक्टिव, इफेक्टिव, नन कोऑपरेशन, नन कन्फर्मिस्ट, देखिए नन डायरी, नन डिस्क्रिप्ट, नन फिक्शन, उसका देखिए नन ह्यूमन, नन लिविंग, नन प्रॉफिट, ये सारे सारे नकारात्मक वाले हैं, नन वाले। उसके बाद देखिए नन रेसिडेंट, नन रिन्यूअल, नन सेंस, नॉनसेंस जो बनता है शब्द नॉनसेंस यही है, नॉन या नन पढ़ सकते हैं जो भी आपको इच्छा करे, नॉन रेसिडेंट, नॉन रिन्यूअल, नॉन रिनेंस, नॉन सेंस, नॉन प्रॉफिट, नॉन फिक्शन, नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कॉलेजिएट, नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन फैट, नॉन स्मोकर, नॉन कोऑपरेशन, नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन लिविंग, नॉन रिन्यूअल, नॉन स्टैंडर्ड और नॉन स्मोकिंग और नॉन स्टॉप, ठीक है, नॉन एसेंशियल, नॉन एंटिटी, नॉन इफेक्टिव, नॉन डायरी, नॉन ह्यूमन, नॉन रेसिडेंट, नॉन स्मोकिंग। तो ये सारे दोस्तों नॉन से जुड़े हुए वर्ड थे यानी प्रीफिक्स वाले। अब देखिए नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टॉक्सिक, नॉन वर्बल। अब आइए दूसरे पे चलते हैं जो कि ये भी नकारात्मक उपसर्ग ही है, इसमें डिस का बात करेंगे यानी डिस प्रीफिक्स से जुड़े हुए। देखिए कुछ और बहुत सारे वर्ड है लेकिन मैंने जो कुछ खास और इम्पोर्टेंट लाया है, देखिए डिस ऑन, डिस ऑन, डिस अपेयर, डिस एग्री, डिस क्वालिटी, इसके बाद डिस लॉयल, डिस ओबोय, डिस लाइक, डिस अपॉइंट, इसके बाद देखिए डिस इन्फेक्ट, डिस कनेक्ट, डिस लॉज, डिसऑनेस्ट, इसके बाद दोस्तों डिस एम्बार्क, डिसकनेक्ट, फिर से वापस देखिए वर्ड विद द प्रीफिक्स आईआर, आईआर से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड को देख लीजिए, ये भी नकारात्मक उपसर्ग ही है नेगेटिव प्रीफिक्स। देखिए इरेलेवेंट, इरेलेवेंट, इरेगुलर, इरिटेबल, इरेसिबल, ईरॉन बॉन्ड, ई ऑन वक्स, ई ऑन वक्स, ई रेडिटी, रेडिएट, इरिगेबल, उसके देखिए इरिकंसीलेबल, इरिप्रोकेबल, इरिमूवेबिलिटी। तो ये दोस्तों इर से है, थोड़ा सा पढ़ने में आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टेढ़ा आया था, जाहिर से बात जो यूज नहीं होता उसको पढ़ने में हमेशा दिक्कत होता है। ई रिलीजिनिस्ट, ई रैशनलिस्ट, ई रिप्रोडक्ड्यूसिबल। दोस्तों ये था डिस और आयर से। उसके बाद देखिए कुछ और वर्ड्स विद द
प्रीफिक्स आईएल से, आईएल प्रीफिक्स को देखते हैं। और देखिए इलेस, इलस्ट्रेट, इल्यूमिनेट, इलेजिबल, इलॉजिकल, इलीगल, इलिटरेट, इलिटरेट। अब वर्ड विद द प्रीफिक्स आई एन से, इन से देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंडिपेंडेंट, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे आता है, देखिए वर्ड बनता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट के पहले इन जुट गया प्रीफिक्स, तो देखिए यहाँ पे इन जुटा। डिफिनेटली, इनडिफिनेटली, इनक्रेडिबल, उसके देखिए इनकम्पेटिबल, इनसेन, इनइफेक्टिव, उसके देखिए इनइफेक्चुअल, इनएबिलिटी, इनकरेक्ट, उसके दोस्तों इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट। नेक्स्ट जो है वर्ड विद द प्रीफिक्स आई एम से देखेंगे इम वाले, तो इम्पैसिव। पढ़िएगा थोड़ा सा हमारे साथ, बोलिएगा, तो जिनको पढ़ने नहीं आता तो उनको पढ़ने में ऐसे ही शब्द जो अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत सारे शब्द, तो जो कि इस पार्ट में मैं बताऊंगा रेगुलर, अभी 3-4-5 कई पार्ट चलेंगे इसके, कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे जो वर्ड का निर्माण होता है, तो तीन तरह है, तीन तरीका है, सफिक्स, प्रीफिक्स और दो शब्दों को जोड़ कंपाउंड वर्ड, और कुछ ऐसे वर्ड जो कि अकेले रहते हैं, ठीक है, और जिसका प्रयोग संज्ञा क्रिया दोनों में किया जाता है, यानी कि कभी वह नाउन होता है कभी वह वर्ब भी हो जाता है। तो खैर अब देखिए इम्परसिस्टेंट, इम्बर्स। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरिल, इम्ब्रूट, इम्प्रॉपर, इम्पर्शनेबल, इम्ब्रूट, इम्ब्रीथ, इम्पर्शनेबल, इम्मेथोडाइज्ड, इम्मूवेबल, इम्मोबिलाइजेशन। अब देखिए वर्ड विद द प्रीफिक्स ए, ए से भी, ए भी प्रीफिक्स के तरह काम करता है। दो वर्ड देखिए अमोरल और असेक्सुअल, ठीक है, तो ये है ए से जुड़े हुए। नेक्स्ट है वर्ड विद द प्रीफिक्स अन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जानते भी इसके बारे में। जैसे देखिए अनवेल, अनअवेल, अनहैप्पी, अपोजिट रूप में भी काम करता है ये। और दोस्तों ये जो अन है ये विपरार्थक रूप है, यहाँ से तीन जो आप देखेंगे अन, डी और डिस, ये सारे जो है विपरार्थक यानी कि अपोजिट प्रीफिक्स के रूप में काम करते, जैसे कि हैप्पी का उल्टा क्या होता है अनहैप्पी, एबल का उल्टा अनएबल, वेल का अनएबल, अनवेल, टीडी का अन टीडी, तो ये सारे अपोजिट वाले हैं। देखिए अनट्रेंड, डू का अनडू हो जाएगा, टाई का अनटाई, अबैस का अनबैस, उसका देखिए अनडू वापस, अनपिक, अनयूजुअल का अनयूजुअल, अपिक का अनपिक। नेक्स्ट जो है तो पिक का अनपिक हो गया, लक्की का अनलकी, देखिए लकी का अनलकी। अब देखिए अनलकी के बाद अनसीन, तो सीन का अनसीन हो जाता है, और पॉपुलर का अनपॉपुलर, ये था अन से। अब देखिए और भी बहुत वर्ड्स है, अब डिस का भी कुछ उल्टा देख लीजिए, डिस का उल्टा, हालांकि डिस भी नकारात्मक है, और जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था पहले। अब देखिए कुछ और है डिस से रिलेटेड, तो डिस ऑनेस्ट का आप जानते ही हैं, डिस ऑनेस्ट होता है, क्वालिटी का डिस क्वालिटी, अपीयर का डिस अपीयर, उसके बाद कनेक्ट का होता है दोस्तों डिसकनेक्ट, और ऑन का डिस ऑन, और कलर का डिसकलर, ये सारे क्या है उल्टा शब्द है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक है, लेकिन कुछ और देख लीजिए, डी ई वाला लास्ट वाला देखिए डी से, और थोड़ा सा लंबा है, जमा करके देखिए कुछ और वर्ड्स है। एक्टिवेट, एक्टिवेट तो आप जानते हैं मोबाइल का सिम या कोई भी अपना डिवाइस एक्टिवेट करते हैं आप, तो डी एक्टिवेट भी करते हैं आप। एडिक्शन होता है तो डी एडिक्शन होता है, एक्टिवेशन डी एक्टिवेशन उल्टा हो जाएगा सारे, अडेप्ट उसका बोलेंगे डी अडेप्ट हो जाएगा, एडिक्शन का डी एडिक्शन, एज का हो जाएगा डी एज। उसके बाद देखिए एग्रीगेट, इसका हो जाएगा डी एग्रीगेट, एक्सेंट का हो जाएगा डी एक्सेंट,
ठीक है। अब देखिए अटैच का होगा डिटैच, डिटैच अटैच और डिटैच। एट्रीब्यूट का होगा दोस्तों डी एट्रीब्यूट, असेट का हो जाएगा डी सेट, डी एस डी एसेट, अरेस्ट का डी अरेस्ट, ठीक है, बैग का डी बैग, बॉल का डी बॉल, बार्क का डी बार्क, बेस का डी बेस, उसके बाद कैपिटलाइज का डी कैपिटलाइज, कोड का डी कोड, एक क्रेडिट का हो जाएगा डी एक क्रेडिट, और सेंट्रलाइज का हो जाएगा डी सेंट्रलाइज। उसके बाद देखिए फेम का डी फेम, और कैविटेशन का हो जाएगा दोस्तों डी कैविटेशन, और मोनेटाइजेशन तो आप जानते ही हैं मोनेटाइजेशन, तो डी मोनेटाइजेशन। ये वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा पिछले साल के लिए, पिछले जो गया साल उसमें डी मोनेटाइजेशन के बारे में आज भी बात होता है। अब देखिए डी, यहाँ देखिए एक्लीमेटाइजेशन, तो ये वो डी एक्लाइमेटाइजेशन, और ये कार्बोनेशन का हो जाएगा डी कार्बोनेशन, और साइस्ट का हो जाएगा डी साइस्ट। तो ये सारे दोस्तों रहा वर्ड, आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट जरूर दीजिए, और भी इस तरह के वर्ड आएंगे जिससे कि आपको कैसे वर्ड का फॉर्मेशन यानी कि कौन कोई वर्ड कैसे बनता है उसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आने वाला भी वीडियो कुछ वीडियो ऐसी तरह के रहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को जो भी स्कूल में है जो इनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता उन सारे के लिए इस तरह का वीडियो है, और जाहिर सी बात दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होने वाला है सभी को। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो।